दोस्तों मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता जब से योगी आदित्यनाथ ने संभाली है तब से क्राइम अपराध का ग्राफ लगातार नीचे चला गया है सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता का सहारा लेकर या सत्ताधीशों के साय में पलने वाले अपराधियों का अब नाम और निशान मिट गया है अब कोई दबंगई ये कहकर नहीं दिखाता है कि हमारी सरकार है योगी राज में महिला सुरक्षा से लेकर जगन्य अपराधों पर जिस तरह से योगी पुलिस ने कंट्रोल किया है उसकी मिसाल इससे पहले कहीं सामने नहीं आई है आज हालात ये हैं कि खुद गले में तख्ती डालकर गुंडे बदमाश सरेंडर करने थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस के सामने गिड़गड़ाते हैं कि साहब गोली मत मारना हम ख़ुद हाजिर हो गए हैं और आइंदा कभी अपराध भी नहीं करेंगे योगी की बिलडोजर नीति एनकाउंटर नीति तथा कड़क अंदाज ने बड़े बड़े माफियाओं को धूल चटा दी है साथ ही सियासी दबंगों को भी ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है यानी 2017 से लेकर अब तक कितने एनकाउंटर हुए हैं कितने मारे गए हैं कितने गिरफ्तार हुए हैं और जो सबसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं उससे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। इन आंकड़ों के अनुसार योगी सरकार में यानी 2017 से लेकर अब तक एक एनकाउंटर हुए यानी हर पंद्रह दिन में पुलिस ने एक अपराधी को ठोक दिया उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लगड़ा के तहत यूपी पुलिस ने कई अपराधियों के पैर में गोली मारकर लंगड़ा किया है इन लंगड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है पिछले छः साल की बात करें तो योगी सरकार में लगभग नौ हज़ार इनकाउंटर हुए जिसमें एक सौ मौके पर ही ढेर हुए 50,000 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से पुलिस रिकॉर्ड की जांच के बाद जो रिपोर्ट जारी की गई उसके हिसाब से योगी सरकार में 2017 से अब तक एक मुठभेड़ हुई और इसी से पता चलता है कि हर पंद्रह दिन में पुलिस की गोली से एक अपराधी को मार गिराया गया इसके अलावा जिन अपराधियों को घायल करके पकड़ा गया उनकी संख्या पाँच हज़ार है यानी हर पंद्रह दिन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने तीस से ज़्यादा अपराधियों को गोली मारकर पकड़ा यानी एक दिन में दो अपराधियों को गोली मारी गई इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जिन एक अपराधियों को मौत के घाट उतारा गया उनमें छियानवे पर हत्या के मुक़दमे दर्ज थे गेंगरेप और पाक्सो एक्ट जैसे मामले भी दर्ज थे उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी जी लॉ एंड आर्डर प्रशांत कुमार का कहना है के एक बार उन्होंने जब ये मीडिया को बताया कि जघन्य अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए एनकाउंटर नीति उनकी कहीं से भी लागू नहीं होती है सब जानते हैं कि यूपी में एनकाउंटर नीति पर लगातार सवाल उठते हैं और मुख्यमंत्री जबकि योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर साफ़ तौर पर डंके की चोट पर बयान देते हैं कि यदि इस चौराहे पर किसी बहन बेटी को कोई शौदा परेशान करेगा तो उसे अगले चौराहे पर यमराज से मिला दिया सुनिए क्या कहना है इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा लेकिन राह चलते भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा और इसलिए भाइयों बहनों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे